हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो यूपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है वो हो चुका है, प्रीलिम्स का पेपर। आप लोगों में से काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में कट ऑफ की बात कर रहे हैं, एक बार सीसेट का पेपर हो जाने दीजिए। शाम तक आपका पूरा पेपर सॉल्व कर दिया जाएगा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और पूरी जो आंसर की है वो भी डाल दी जाएगी। दूसरी चीज़, कट ऑफ को लेकर जब आप पूछ ही रहे हैं तो अब तक जो पेपर देखा है, जितना सॉल्व किया है, अब पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गया है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट पिछले साल के बराबर ही कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि पेपर की अगर बात करें आप तो ना तो ये पेपर बहुत ही आसान था, ना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, मॉडरेट लेवल का ये पेपर था। हाँ, एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि जिस तरह से यूपीएससी जो पैटर्न है अपना वो चेंज करती है, जो उसका ट्रेंड है कि हर बार एक नए तरीके से पेपर पूछा जाता है, इस बार भी इस ट्रेंड को उन्होंने बरकरार रखा है। जैसे अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो पहले जो सवाल आते थे आप लोग एक प्रिडिक्ट कर सकते थे, वो जो तरीका था वो बिल्कुल हटा दिया सिरे से। लेंथी पेपर बनाया गया है, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और जो कथन कारण वाले जो सवाल हैं जिनमें आपको पूरी तरीके से उनको पढ़ना पड़ता है, जिनको हर बार आप कोशिश करते हैं कि इन सवालों को अवॉइड करेंगे, टू दी फैक्ट टू दी पॉइंट सवाल पूछे जाएंगे, तो इस बार टू दी फैक्ट या टू दी पॉइंट कुछ भी पूछा नहीं गया है। करंट से कोरिलेट करते हुए सवाल पूछे गए हैं, प्लस पॉलिटी और इसका पोर्शन, इकोनॉमी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था, इस बार ऐसा नहीं है। हर पोर्शन को थोड़ा सा मॉडरेट करके और पूछा गया है। तो अगर कट ऑफ की जनरल की बात करें तो 83 टू 86 कट ऑफ जाने वाली है, और जो गैप रहता है जनरली जो एसटी एससी बीसी इनमें जो सारा गैप और जनरल के बीच जो गैप रहेगा, वो जो हमेशा गैप बरकरार रहता है उसी प्रकार से बरकरार रहेगा। तो अभी के लिए जो कट ऑफ है वो 83 टू 86 जाएगी, और ये मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं मार्क्स की बात कर रही हूँ। धन्यवाद।